हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित करदम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज। 1 मार्च 2019 एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अभी भी हुआ है। कैंडी से बात करते हैं, जानते हैं उनका एग्जाम कैसा हुआ। कितने क्वेश्चन किए आपने? 100 अटेम्प्ट करे पूरे। आपने 100 अटेम्प्ट किए? 80 किए मैंने। आपने कितने क्वेश्चन? 100 अटेम्प्ट किए मैंने। 100 अटेम्प्ट किए। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन ये था कि जो खो खो खेल है वो किस राज्य से स्टार्ट हुआ है? हाँ, उसमें राज्य दे रखे थे, वो किस राज्य से स्टार्ट हुआ है? और कोई क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आया हो? चीन का आया था, चीन का, चीन का आया था राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। दो क्वेश्चन आए थे। कल्चर से क्या क्वेश्चन थे? कल्चर से कोई नृत्य वगैरह पूछा गया? हाँ, नृत्य आया था, एक कांगड़ी नृत्य आया था, कहाँ का है? नृत्य पूछा था उसमें, ये मैथ से आता एवरेज के सवाल आए थे। ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन है? ज्योग्राफी से कोई नदियों पहाड़ों से क्वेश्चन आया हो? हाँ, एक पहाड़ का आया था। क्या था पहाड़ का क्वेश्चन? याद नहीं आ रहा, लेकिन एक अलग ही पहाड़ था। एक नदी के पूछ रही सबसे लंबी, ये नहीं पता, गोलगा नदी कुछ ऐसे आया था, नदी के बारे में पूछा था कुछ। और कोई क्वेश्चन नदी पहाड़ से आया हो? जीवित जल सेतु। अच्छा, जीवित जल सेतु किस राज्य से संबंधित है? उसमें ये था, हाँ, जीवित जल सेतु से। संविधान से क्वेश्चन? संविधान से पूछा था। 103वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 103 मतलब किस संविधान संशोधन हुआ? 103वां लिया नहीं गया, 103वां जो संविधान संशोधन है किसके लिए है? किसके लिए हुआ, किया गया है वो? किसके लिए किया गया, ये था। और कोई क्वेश्चन आया हुआ अनुच्छेद से लिया गया? और एक नीति निदेशक सिद्धांत आए थे, वो आयरलैंड से लिए गए। ये क्वेश्चन आए थे संविधान से, दो क्वेश्चन आए हैं साइंस में। एक दिवस साइंस में, हाँ, एक पूछा था जो अंडे की जर्दी होती है पीली वाली, उसमें कौन सी विटामिन सबसे ज्यादा होती है, यानी कि 90% उसमें क्या मिलता है? ये क्वेश्चन था। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जनसंख्या 11 जुलाई। एक 2 अक्टूबर वाला कौन था? 2 अक्टूबर को बनाते हैं जो पर्वतीय दिवस। हाँ, एक पर्वतीय दिवस, पर्वतीय दिवस भैया 2 अक्टूबर के लिए बनाते हैं। गांधी जी चंपारण गए थे तो नमक कानून आंदोलन के लिए, उसमें कितनी मील दूरी तय की गई थी गांधी द्वारा? जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें कितनी दूरी तय करी गई थी? ये क्वेश्चन था पूरा। फिजिक्स से? फिजिक्स से क्वेश्चन आया पर याद नहीं है। फिजिक्स से कोई क्वेश्चन आया भाई? फिजिक्स से कोई क्वेश्चन, फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया? फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं है? फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं यार था तो, लेकिन याद नहीं आ रहा। लेंस वगैरह पूछा गया? लेंस कोई नहीं पूछा है। नहीं, लेंस कोई नहीं था। आया था मिलाने के लिए फिजिक्स में, क्या विद्युत धारा एमीटर ऐसे नापने के लिए आते हैं, वो रीजनिंग था। हां, उसमें से असंगत छाटना था बस। कोई राइटर वगैरह पूछा गया हो किसी का? पुस्तक? हाँ, राइटर पूछा है। एक पुस्तक आई थी, कौन सी पुस्तक थी वो? फ्लाइंग ऑफ पीसन किसके द्वारा लिखी गई है, ये था क्वेश्चन। क्या ऑप्शन दिए गए थे इसमें? इसमें ऑप्शन तो यार याद नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? 1956। किस वर्ष लागू हो गया था क्वेश्चन पूछा गया। और एक कंपनी आई थी इन्फोसिस कंपनी, उसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? इन्फोसिस। मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में अभी क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन क्या पूछे गए? प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, और चक्रवर्ती सीआईएसआई से भी 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन क्या थे? प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन ये थे कि जैसे कि कोई चीज़ है इतने में बेचा है और इतना परसेंट मतलब उस पर दे रखा है, अगर वो उस पर 10% वो नहीं देता, प्रॉफिट नहीं देता, तो वो कितने में बेचा जाता, ऐसे 2 क्वेश्चन थे इसी टाइप के। सारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से क्या सर? हाँ, उससे भी 2 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन ट्रेन से था, ट्रेन का उसमें स्पीड निकालनी थी ट्रेन की, और कोई क्वेश्चन नहीं था, यही स्पीड अनुपात में रेसों में दे रखी थी उसकी, तो मैनुअल वास्तविक चाल लाइनिंग क्या थी उसकी? एक था 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और 15 किलोमीटर चाल से चलता है, तो वो इन दोनों के बीच की दूरी में और करीब टाइम का वो था, हाँ वो 25 किलोमीटर अधिक चल जाता है मतलब, तो उसकी वास्तविक चाल पूछी थी। वास्तविक चाल क्या थी? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था बस, एक अनुपात में दे रखा था, 2:3 नमक और पानी का अनुपात दे रखा था। नहीं, एवरेज क्वेश्चन वो भी था जो टीचर का अध्यापक की आयु और कप्तान की आयु सम्मिलित कर दी जाती है, उसमें एक आयु से एक था, आयु क्वेश्चन था, लेकिन काफी बड़ा था तो याद नहीं। क्या क्वेश्चन था वो? एक था कि 11 टीमों के सदस्य की टीमों की और कप्तान और विकेट कीपर की बीच में 4 वर्ष का अंतर है, और उसमें कप्तान की आयु दे रखी थी 28 वर्ष, ऐसे करके पूछ रहा था वो निकालने के लिए। और एक क्वेश्चन ये भी था उसमें
जैसे कि माता और पिता का दे रखा था, मतलब आयु दे रखी थी ये, मतलब दो माता पिता हो गए, दो माता पिता और तीन दादा दादी हो गए और चार चार पोता पोती दे रखे थे, तो इनका सबका रेशियो दे रखा था साइड में, तो हमें केवल हाँ औसत आयु दे रखा था, तो हमें सबका अलग अलग रेशियो निकालना था, बताना था फिर बाद में। डिस्काउंट से आया क्वेश्चन? डिस्काउंट से नहीं आया था। मेंसुरेशन में? मेंसुरेशन में दो क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन थे? एक तो त्रिभुज के लिए आया था क्वेश्चन, एक त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा था, त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा था और त्रिभुज की पूछ रहा था उसी से क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है आयत के वर्ग के क्षेत्रफल के, इसमें उसमें उसकी माप दी थी, वर्ग की दी थी, भुजा दी थी 8 सेंटीमीटर और इधर त्रिभुज में दी थी आधार दिया था 8 सेंटीमीटर, उसकी हाइट निकलनी थी एक बड़े दो आधा गुणा ऊंचाई लगा के और उसका वर्ग करके पाई आर स्क्वायर लगा के एक क्वेश्चन बेलन से भी था, मेंसुरेशन में दो ही क्वेश्चन आए बस। क्या क्वेश्चन था बेलन से? खोखला बेलन का था, खोखला वो बोल रहा था कि 5 व्यास दिया था, 10 सेंटीमीटर व्यास था खोखले बेलन का और मोटाई थी 2 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल निकाल के और उसमें 5 पॉइंट कुछ किलोग्राम के हिसाब से उसको बाहर निकालना था, ऐसे बोल के था। रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पूछे गए? रीजनिंग तो नॉर्मली आई थी, ज़्यादा हार्ड नहीं आई है। क्या क्वेश्चन थे रीजनिंग में? रीजनिंग में अल्फाबेट से, अल्फाबेट से भी थे और वो ये दो क्वेश्चन तो थे व्रत में बैठाने और सीटिंग अरेंजमेंट था, व्रत में बैठाने वाला 7 लोगों को सीटिंग व्रत कार्य उसमें बैठाना था गोला में। अच्छा, तो हाँ यही क्वेश्चन था और वो भी था सीटिंग अरेंजमेंट से, कुल मिला के 4 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन पूछे गए बैठक से। एक पंक्ति वाला भी था, पंक्ति में बैठा रहे थे साथ। लाइनिंग क्या थी? लाइनिंग ये थी कि ए बी के बाएं बैठा है और बी ए का पड़ोसी नहीं है, ऐसे करके लाइनिंग थी उसमें, मतलब उसके जो रूल थे ना उसके अकॉर्डिंग बैठाना था, बैठाना और उसमें पूछा था बीच में कौन बैठा है। दर्पण से क्वेश्चन आया हो? दर्पण से एक क्वेश्चन आया था, जो नेशन था उसके दाएं तरफ दर्पण रख के वो क्या दिखेगा, कोडिंग में आता है, लेकिन क्वेश्चन जो आया था दे रखे थे उसका मैं बताना था कि मतलब क्या आएगा आगे, 5 वर्ड दे रखे थे उसका डबल कर रहा था वो, एग्जामिनेशन का पूछा था, एग्जामिनेशन का बाद में पूछा था उसने, यानी कि मतलब उसने वर्ड दे रखे थे जैसे कि 5 वर्ड दे रखे थे उसका डबल कर दिया 10, ऐसी एग्जामिनेशन का मैं बताना था क्या होगा, एग्जामिनेशन में जितने वर्ड होंगे उसका डबल करके लिख दिया, यही है। कितने इसका याद है आपको? कतन निष्कर्ष के दो क्वेश्चन आए थे, क्या थे कतन निष्कर्ष? एक तो वो था सभी मतलब कुछ महिलाएं लड़कियां हैं और एक में था कि कुछ मतलब ऐसे करके था कुछ लड़कियां है ना, कुछ महिलाएं लड़कियां हैं और कोई भी लड़की बुरी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन था, लड़की बुरी नहीं है, यही क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन था? और एक क्वेश्चन था वो था जिसमें मतलब ऐसे नहीं था, उसमें दे रखा एक लाइन दे रखी थी पर उसी में से हमको बताना था उसका कथन और निष्कर्ष में। कोई एनालॉग से आया क्वेश्चन? तर्क वाला था, तर्क था, एनालॉग से आया क्वेश्चन? एनालॉग से कौन सा क्वेश्चन? बेनारेक से, सब्जी आया था, गाजर आई थी और मांस आया था, मांस अलग था, सब्जी गाजर मांस यही था उसमें बताना था, मांस का अलग हो जाता, सब्जी और नंबरिंग से क्वेश्चन आया? कोई नंबरिंग से बस वही क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी। और क्या क्वेश्चन थे नंबर सीरीज से? दो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन थे? लाइनिंग क्या एक ऐसी कितनी संख्याएं, 1 और 9 के जो शतक कितने आते हैं, 20, 21, 22, 23 ऐसे ऑप्शन थे उसमें, तो नहीं वो आया था 1 से 80 तक की संख्या के लिए इकाई का अंक के स्थान पर 1 और 9 कितनी बार कितने परसेंट भाग कितना परसेंट आते हैं, मतलब ये पूछा था परसेंट में, पूछा था कितने परसेंट आते हैं 1 और 9 कितने परसेंट आते हैं 1 से 80 तक के बीच में इकाई के स्थान पर, 1 से लेकर 80 तक जो अंक दे रखे हैं उसमें, तो इकाई का अंक में 1 और 9 कितने परसेंट बार आएगा, ये क्वेश्चन था पूरा। क्या क्वेश्चन पूछे गए हिंदी से? हिंदी तो नॉर्मल थी, कौन से पर्यायवाची पूछे गए? एक तो आभूषण का पूछा था और एक त्रुटि का पूछा था, विलोम शब्द है ना, पर्यायवाची अर्श का विलोम था, अर्श का विलोम पूछा गया, शोक का विलोम शब्द पूछा गया, पर्यायवाची और एक तो वही बताया ना त्रुटि का बचाया था वो प्रवाची था, एक आभूषण का प्रवाची था, एक वो था ब्लोम शब्द बहोगी, बहोगी का अलग वसंत में वसंत ऋतु मतलब राजा होती है, उसमें जो खालिस्तान था वो था ब्लैंक्स था, क्या थे ब्लैंक्स?
एक तो यही था, पांच क्वेश्चन थे शायद। हाँ पैराग्राफ दे रखा था उसमें भरने थे। क्या पैराग्राफ था? बसंत वर्मा के ऊपर था, उसी के बारे में बोल रहे थे कि कैसे क्या है इनका बेकार। बसंत ऋतुओं का क्या होता है भाई और राजा पिता मामा, तो बस ऐसे मुहावरा वगैरह पूछा गया। मुहावरा, हाँ मुहावरा दो क्वेश्चन थे। मुहावरे क्या मुहावरे थे? वो सिंपल ही थे बस यार। याद क्या मुहावरे थे? सिंपल था बिल्कुल। क्या मुहावरा था? याद नहीं, थोड़ी कल थे ना, तो मुहावरा याद नहीं है भी। एक तो बाएं हाथ का काम होना। बाएं हाथ का काम होना, एक बाएं हाथ का काम होना। और दूसरा एक और था, कोई बर्तनी से क्वेश्चन। बर्तनी से आज तीन चार क्वेश्चन थे। तीन क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे बर्तनी से? अतिथि ग्रह का बताना था मैं, सही बात नहीं। कैसे लिखना है? हाँ कैसे लिखना है? और कैसे लिखना है? दो क्वेश्चन और थे उसी से ही। कोई समास वगैरह पूछा गया? समास नहीं आया कोई। संधि विच्छेद नहीं पूछा गया? नहीं नहीं। कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा? सबसे जे मैथ, मतलब मैथ और रीजनिंग की ज्यादा टफ सी लगी है। मैथ का और रीजनिंग का सेक्शन सबसे टफ लगा था। जैसे कुछ टफ लगे आपको? और इजी तो हिंदी और मात्र जीएस और थोड़ा मैथ, ये थोड़े थोड़े हार्ड है। बाकी दोनों तो दो सेक्शन एकदम मतलब नॉर्मल है और दो सेक्शन थोड़ा हाँ थोड़ा सा हार्ड है। तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आज 1 मार्च 2019 को एसएससी जीटी कॉन्स्टेबल एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, कैंडिडेट बताया भी और आपने देखा भी। आप नेक्स्ट एग्जाम में मिलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, क्या लोग करके आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे जब भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ अमित करदम, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।